नमस्कार संस्कृतीच्या पाऊल खुणा या कार्यक्रमात तुमचं स्वागत आणि निलिमा पटवर्धनचा नमस्कार श्रोते हो महाभारत ग्रंथ भारतीय संस्कृतीचा वारसा या, या विषयावर महाभारताच्या ज्येष्ठ अभ्यासक नीरा मिश्रा यांची हिंदीतून घेतलेली मुलाखत आता ऐकूया नीरा मिश्रा मॅम नमस्ते नमस्कार आकाशवाणी पुणे के स्टुडिओ मे आपण स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस कार्यक्रम में आऊं और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है जी आज हम बात करेंगे महाभारत इस ग्रंथ के बारे में हम जैसे कहते हैं कि महाभारत ये हमारी संस्कृति की एक प्राचीन धरोहर है पूरा एक इतिहास है महाभारत मतलब सब कुछ है हमारी संस्कृति के लिए तो इसके बारे में हम ज़्यादा बातचीत करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कुछ अनकही बातें जो हम नहीं जानते हैं वो हम जानना चाहेंगे आपसे तो मेरा पहला सवाल यह है कि महाभारत इस ग्रंथ के नाम से ही हम शुरू करेंगे क्या अर्थ है इस शब्द का हाँ ये लोगों में बहुत अवधारणा है कि महाभारत का मतलब युद्ध होता है जी महाभारत जो ग्रंथ है इसका मतलब ये है कि ये कहानी ये कहानी मतलब ये इतिहास एक पूरे जम्मू द्वीप के इतिहास का जिसमें भारत के अलावा द ग्रेटर भारत जो कि कल्चरली यूनाइटेड भारत जो वेद व्यास जिसका एक कहते हैं हमें एक डॉक्यूमेंट देके गए हैं तो एक्चुअली कहानी थी भरत वंश की जो युद्ध हुआ था वो भरत वंश में जो राजा कौन बनेगा उसको लेके जो युद्ध हुआ जिसको हम लोग एक्चुअली कहना चाहिए कुरुक्षेत्र युद्ध या धर्म युद्ध लेकिन भरत वंश ही इसमें सिर्फ इन्वॉल्व नहीं था इस युद्ध से पूरा जो यम्बूद्वीप था उस पर भी असर पड़ा था तो इसलिए इसको महाभारत मीन्स द ग्रेटर भारत की ये इतिहास है हुँ, हुँ. तो महाभारत हमारे जब कोई भी पोलिटिशियन या कोई भी हमारे स्कॉलर्स भी जब ये कहते हैं कि महाभारत हो जाएगी हुँ. तो मेरा उनसे एक ही सवाल रहता है आप ये कहते हो महाभारत हो जाएगी कभी आपने ये कहा रामायण हो जाएगी हुँ। जबकि रामायण में 40 डेज का युद्ध था इसमें सिर्फ अठारह दिन, दिन का युद्ध और इस अठारह दिन के युद्ध में हमें कितना बड़ा गीता ज्ञान मिला कि युद्ध ऑल्टरनेटिव नहीं है लेकिन धर्म की रक्षा अगर करनी है तो हमें युद्ध करना पड़ेगा तो अभी आपने कहा कि इस ग्रंथ का विस्तार में आपको क्या बताऊं तो वही हम जानना चाहेंगे आपसे हाँ। क्या ग्रंथ का विस्तार है क्या है यह ग्रंथ देखिए हम लोग नॉर्मली जब हमको आम बातों में हम लोग ये जानते हैं कि सोलह महाजनपदा थे है? और ये सोलह महाजनपदा थे जो लड़ाई में इन्होंने भाग लिया उनके नाम तो हमको रटे पड़े हैं और वो जगह भी चिन्हित है सारी लेकिन जब इसका अध्ययन करा गया हाँ क्योंकि हम लोग करीब ऑलमोस्ट बीस साल से इस पे काम कर रहे हैं हमारे साथ ऑलमोस्ट फिफ्टी सिक्सटी स्कॉलर्स नेशनल और इंटरनेशनल जुड़े हैं जी। तो इसका जब जोग्राफिकल भूगोलिक दायरा देखा गया कि जम्बूद्वीप था जम्बूद्वीप में क्या क्या ऐसे क्षेत्र थे जो कि इस ग्रंथ में है तो इस ग्रंथ में ये तो लिखा हुआ है शुरू में ही कि ये इतिहास है इतिहास अगर हम उसको ट्रांसलेट करें एज इट हैपेंड मतलब जैसा हुआ वैसा मैं आपको बता रहा हूँ तो ऑब्जेक्टिव इतिहास इसमें जो हमने काउंटिंग करी है अस्सी किंगडम्स एट्टी किंगडम्स मोर देन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव रिवर्स मोर देन टू हंड्रेड एंड यू नो एरियाज जो कहते हैं सिटीज कहते हैं तो इसके विस्तार इतना ज्यादा है कि जोग्राफिकल एक तो विस्तार हो गया। अब हम आते हैं कि ग्रंथ कितना बड़ा है इसको हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया है अच्छा ठीक है ये रामायण से फोर टाइम्स बड़ा है एंड मेनी फोल्ड इट इज बिगर देन द ग्रीक जो ओडिसी और उनका yes, जो हाँ। दो एपिक्स हैं तो अब हम लोगों के काम की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये सामने आई है कि इस ग्रंथ को लोग एपिक कहना भूल गए हैं अब इसको इतिहास कहते हैं। यस hmm, yes. तो विस्तार की जब बात कर रहे हैं, तो इसमें एक लाख से ऊपर श्लोक हैं। इस ग्रंथ में जो लिखा गया तो हमारे आदि पर्व जो है hmm. आदि पर्व के पहले चैप्टर में ही ये बताया जाता है आई थिंक इट इज श्लोक स्टार्टिंग फ्रॉम Uh, 78 एट ऑनवर्ड्स टू फिट्टी समथिंग इट्स सेज के ये जो ग्रंथ है इसमें आठ हजार जो ऐसे श्लोकज हैं जो बहुत डिफिकल्ट हैं उनका मीनिंग बहुत सोच समझ के निकालना होगा अच्छा, उसको एज एन आउट्राइड हम इंटरप्रेट नहीं करें क्योंकि संस्कृत आप संस्कृत के स्कॉलर हो आप जानते हो कि संस्कृत में वर्ड्स के रेफरेंस टू तो कॉन्टेक्ट के हिसाब से मीनिंग निकाला जाता है एक एक उपसर्ग से भी अर्थ बदल, बदल जाते हैं ठीक हाँ। तो है ना तो इसलिए ये आठ हजार आठ सौ जो श्लोक हैं, ये डिफिकल्ट श्लोक हैं। इनको इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ सुता समझ सकता है लेकिन सुता भी इतना अच्छा शायद नहीं समझ पाएगा इसलिए जो भी इसको पढ़े उसको उसको बड़ा ध्यान से पढ़े और उसका पूरे बुक का रेफरेंस के हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करें इसमें चौबीस हजार श्लोक ऐसे हैं जो कि भरत वंश की कहानी जो मेन कहानी है जिससे कि ये पूरा जो लड़ाई का जो एक वॉर का एक एटमोस्फेयर क्रिएट हुआ उससे रिलेटेड बाकी जो सब चीजें हैं वो छोटी छोटी कहानियां हैं अब हमारे यहाँ इतिहास लिखने का जो मेथड था उसमें हम लोग नैरेटिव फॉर्म में लिखते थे आपको ये भी ज्ञात है कि न तो उस समय प्रिंटिंग प्रेस थी ना उस समय कुछ फोटोकॉपी का सिस्टम था कि भाई किसी ने हाथ से लिख दिया और फोटोकॉपी करके स्टूडेंट्स को बांट दी जी उनको ये चीज ध्यान में रखनी थी कि सबके पास नॉलेज जाए दैट इज डिसमिनेशन ऑफ करेक्ट नॉलेज एंड इट शुड बी रिटेन इन देर माइंड तो उस समय जो लिखने का भी तरीका था वो एक इवॉल्व करा था कि इट शुड बी इन पोइटिक फॉर्म इवन महाभारत की जो श्लोकाज है उनका एक सिमेट्री है तो सिमेट्री होने से उसमें एक तरह का लय आ जाता है जिससे इंसान याद रख सकता है दूसरी याद करने का तरीका यह है कि आप उसको एज अ नैरेटिव एज अ कहानी बताएं। तो इंसान कहानी याद रखेगा ऑब्जेक्टिव हमारे इतिहास का यह था कि उनको ना सिर्फ अपने जगह का ज्ञान हो अपने आसपास जो हो रहा है उसका ज्ञान हो लेकिन उससे हमारे ऊपर क्या असर पड़ा हमारे अध्यात्म और हमारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में इसमें क्या हो पड़ा सो दैट इज वाई जो हम लोग कहते हैं ना हमेशा धर्म 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 ये धर्म का ग्रंथ है ये धर्म की लड़ाई है तो धर्म का बेसिक जो मतलब है प्रिंसिपल्स रूल्स yes. वो रूल्स और प्रिंसिपल्स क्या थे वो हमारे जो हमारी प्रकृति है उस प्रकृति का जो रूल्स है उसके साथ साथ संस्कृति हमारी सो प्रकृति संस्कृति के जो हमारे रूल्स है उसको लेके उन्होंने जो प्रिंसिपल्स बनाए थे वो ज्ञान देने के लिए एक कहानी के हिसाब से उसको उनको डिसेमिनेट करा जाता था और ये भी हमको जानना होगा कि आजकल के स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जब हम कुछ पेपर लिखते हैं कि आपने ये कहाँ से पढ़ा जी, इसका रेफरेंस क्या है हुँ, हुँ, तो हमारे पूर्वज भी जब कोई भी कथा कहते थे वो ये रेफरेंस देते थे कि मुझे इस मुनि ने बताया उनको उस मुनि ने बताया उनको उस मुनि ने बताया हुँ, तो हुँ, मुझे यहाँ से ये बात मालूम पड़ी तो पूरा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देके वो कहानी बताते हुँ, थे, हुँ, थे इसे कहते हैं कि युद्धस्य कथा रम्य तो महाभारत पूरा इतिहास है लेकिन उसमें भी युद्ध क्यों याद रहता है शायद वो आम जनता को वो अच्छा लगता है युद्ध की कोई भी जानकारी है तो किस तरह से हमारे सब जो रस है वो मन में उत्पन्न होते हैं इस युद्ध के बारे में आपने बताया कि अभी अठारह दिन ही सिर्फ वो युद्ध रहा लेकिन उसमें भी बहुत सारे जो हम कहते हैं कूटनीति भी उसका भी प्रयोग हो गया या फिर व्यूह रचना थी वो भी एक अभ्यसनीय बातें हैं उस बारे में आप कुछ बता पाएगी हाँ हम हाँ, लोग ने जब 2012 में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल करा था उसमें एक प्रॉपर पेपर हुआ था प्रेजेंटेशन युद्ध के बारे में yes. युद्ध की स्ट्रेटेजी युद्ध की नीति जो हमारी उस समय की सेना थी देवर एलिफेंट्स हॉर्सेज मतलब हाथी घोड़ा इवन फुट सोल्जर्स होते थे और भाला होता था और तीर कमान होती थी जी। उसके हिसाब से इनकी आर्मी की फॉर्मुलेशन होती थी और लोग ये भी कहते हैं कि जो युद्ध हुआ था उसमें लाखों की संख्या में वहां पे लोग एकत्रित हुए थे नाउ ये एक दिन में सब वहाँ आके नहीं रुके आज भी जब वॉर होता है तो एक दिन में पूरी आर्मी वहां नहीं जाके बैठती है रिप्लेनिश होती रहती है तो कुछ लोग गए तो इनको जगह जगह से आर्मी मिली थी अब आपका जो प्रश्न था बहुत ही विस्तार मतलब ये अठारह दिन जो युद्ध चला आपका जो प्रश्न था कि हम युद्ध ही क्यों याद रखते हैं हमारी जो मानसिक स्थिति है या हमारा स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है या हमारी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है जो हमारे डिफरेंट लेयर्स ऑफ ह्यूमन सेंसिटिविटीज हैं उसमें जो चीज़ बहुत ही ज्यादा कैटास्ट्रोफिक हो हुँ. या जो चीज़ ज्यादा मन मनमोहक हो हुँ. वो हमें याद रहती है ठीक है हमें शकुंतला की प्रेम कहानी याद रहती yes. है हमें इसी तरह से युद्ध की जो कैटास्ट्रोफी थी इसमें जो इतना विध्वंस हुआ उससे ज्यादा हमको युद्ध इसलिए भी याद रहता है कि युद्ध न हो उसके लिए जो श्री कृष्ण प्रयास करे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें युद्ध याद रहता है कि ये युद्ध करने के लिए जब अर्जुन अपने शस्त्र क्या दे? देता है हुँ. और कहता है ये तो मेरे अपने हैं मैं अपनों के ऊपर कैसे शस्त्र उठाऊँ तब श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा अपना ज्ञान उसको देते हैं कि तुम कौन हो तुम समझो कि तुम कौन हो तुम कोई ऐसे इंसान नहीं हो तुम खाली हार्ड मास नहीं हो तुम एक आत्मा हो और फिर वो उनको बताते हैं कि ये भी एक आत्मा है और वो इंसान का प्रकृति से और अध्यात्म से और कहना चाहिए स्पिरिचुअलिटी से जो एक पूरा साइकिल है उसको एक्सप्लेन करते हैं तो जो गीता ज्ञान देते हैं गीता ज्ञान को आज के मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स मानते हैं इट्स अ मैनुअल फॉर लाइफ तो हमको ये युद्ध इसलिए बहुत ज्यादा याद रहता है क्योंकि एक तो ये विशाल युद्ध हुआ इस तरह का युद्ध कभी आपस में भाई भाई का इतना विशाल नहीं हुआ और एक और चीज के लिए जो हम याद करते हैं बहुत कम लोगों ने इस पे एक्चुअली अध्यात्म में भी ध्यान दिया है कि द्रौपदी कौन थी वो स्वयं नारायणी थी जो कृष्ण का साथ देने आई थी उनकी कोई रिश्तेदार नहीं थी कहीं से भी न बहन थी न वाइफ थी न कोई थी लेकिन हमेशा उनके साथ थी और उन्होंने एक बहुत सुंदर नाम दिया था सखी का उसका और सखी हाँ। तो ये परमात्मा और आत्मा का जो मिलन है जो कृष्ण का मीरा के साथ जो था जी। तो ये मिलन जो द्रौपदी का था उस समय जब वो अपना शस्त्र गिराते हैं अर्जुन तब द्रौपदी का याद आता है कि मैंने उससे वादा किया था न्याय होगा तो हम इसलिए भी उसको याद रखते हैं कि स्वयं परमात्मा ने एक नारी की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ दांव लगा दिया ये हमारे लिए बहुत ही एक प्रेरणा की बात है आपने बहुत अच्छा बताया मैम एक मेरे मन में शंका है ये महाभारत ग्रंथ जो है वो पूरा संस्कृत में है तो पूरे विश्व को इसके बारे में पता कब चला और कैसे चला ये बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है हाँ। और इसका क्या हुआ है कि ये संस्कृत में था जी तो जब हमारे यहाँ पे इन्वेजन्स हुए और इन्वेशन्स के बाद सल्तनत पीरियड के बाद जब मोगल्स आए तो आते आते उनको भी यहाँ की संस्कृति के बारे में पता चला तो अकबर जो हमारे यहाँ राजा बना उस उसके आपको शायद मालूम होगा उसका राजपूतों के साथ काफी गहरा संबंध उसने बनाया हुआ था तो वो और बहुत कम उम्र पे वो राजा बन गया था तो उसके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस था यहाँ के हमारे पंडितों का और यहाँ के राजपूतों का तब तो उसको जब इस ग्रंथ के बारे में मालूम पड़ा तो बहुत फैसिनेटेड हुआ ही मतलब आश्चर्य हुआ कि ये भाई ऐसा ग्रंथ है अंडर हिज ओन सुपरविजन उसने कमीशन करा कि मुझे इसका ट्रांसलेशन चाहिए हाँ। तो पहला ट्रांसलेशन इसका पर्जियन में हुआ हाँ। और क्योंकि अकबर एजुकेटेड नहीं था हाँ। पढ़ने में उसको मुश्किल होती थी तो उसने क्या करा कि उसको पिक्टोरियल फॉर्म में ज्यादा बनवाया हाँ। तो ही हायर्ड फाइव स्कॉलर्स फ्रॉम परजिया अच्छा। जो परजियन स्कॉलर्स थे आर्टिस्ट फ्रॉम परजिया फाइव पंडित्स, जिसमें दो मिश्रा भी थे अच्छा ऑफ <laughs> संस्कृत ये पूरा प्रक्रिया अंडर द सुपरविजन ऑफ अकबर लेकिन उसने दो लोगों को इस पे अंडर दिया था बदौनी एंड अबू फजल ये दोनों इंचार्ज थे और बहुत इंटरेस्टिंग बात है इस किताब का जब ग्रंथ का ऑलमोस्ट फोर इयर्स लगे और फोर इयर्स के बाद जब ये बनी तो अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि मुझे इस ग्रंथ को ऐसे ग्रंथ को औरों को भी प्रेजेंट करना है सबसे पहले तो अपने बेटे को लेकिन जो ओरिजिनल वर्जन है सिटी पैलेस म्यूजियम ऑफ जयपुर वहां पे ये ग्रंथ ओरिजिनल uh, ग्रंथ रखा हुआ है और उसका एक और इंटरेस्टिंग बात है तो उस पर सिग्नेचर गोल्ड से जहांगीर के भी हैं अच्छा। उसके बाद आपको तो मालूम है कि बहुत सारे हमारे ग्रंथ पर्शियन में ट्रांसलेट हुए उसके बाद अरब कंट्रीज गए वहाँ से और फॉरेनर्स ने उसको लिए फिर ये आस्ते आस्ते रशियन में भी हुआ मतलब ऑलमोस्ट ऑल आल लैंग्वेज ऑफकोर्स जर्मनी में भी हुआ मैं इसका प्रसार होने लगा और ये एक इम्पॉर्टेंट बात इस ग्रंथ की आपको जानने की ज़रूरी है कि हमारे यहाँ आजकल नाइन्टी परसेंट लोगों ये कहेंगे कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए ये भी शुरुआत इसी ट्रांसलेशन से हुई थी कि क्यों नहीं रखनी चाहिए hmm. और युद्ध की भी जो आपने बात करी कि पर्शियन ग्रंथ के, के इंट्रोडक्शन में लिखा है अबू फजल लिखते हैं hmm. कि अकबर ने इसका ट्रांसलेशन हमसे इसलिए करवाया क्योंकि उसको ये मालूम था कि ये इतने ज्ञान की बात है इसमें और जो ग्रंथ रोज पढ़ा जाता है और इतने ज्ञानी हैं और इनकी सभ्यता इतनी प्राचीन है तो इसलिए इसको मैं चाहता हूँ ट्रांसलेट करके सबको भेजा जाए हुँ, हुँ. लेकिन ट्रांसलेशन में इन्होंने एक जो काम किया वो ये किया कि क्योंकि ये लोग बेसिकली इन्वेडर्स थे इन्होंने जब इसका ट्रांसलेशन कराया तो इन्होंने फोकस करा सिर्फ युद्ध से रिलेटेड हुँ. बातों को तो वो युद्ध से रिलेटेड बातों को फोकस करके इसका नाम रखा रजमनामा Now, Razam Nama means the story of the war. war. The book oh. of the war. So, mm -hmm -hmm. suddenly it became popular as the book of the war. Now, when book of the war became famous, ho gaya, to परसेप्शन्स बहुत बड़ा काम करते हैं आप जानते हैं आजकल मीडिया कैसे प्रसप्शन क्रिएट करता है तो परसेप्शन जब ये बढ़ा कि ये तो लड़ाई का ग्रंथ है ये तो लड़ाई का ग्रंथ है जबकि उसके पहले तक इसको पंचम वेद कहा जाता था और पंचम वेद इसलिए कहा जाता था कि वेद व्यास ने पहले चार वेद को डिवाइड करा था जी. फिर अट्ठारह पुराणों को करा था जी. तो वो जो वेद और पुराणों का ज्ञान है वो भी इस ग्रंथ में उन्होंने इंक्लूड करा जी तो इसलिए इसको पंचम वेद कहा mm -hmm. गया तो उस पंचम वेद को हमने सडनली दिया क्योंकि आज अगर हम आपके पास बैठे हैं और आपको हमारे बारे में अच्छा अच्छा सा मालूम है और अगर कोई आके कह दे अरे ये मैडम तो ऐसी है मैडम mm -hmm. तो ऐसी mm -hmm. आप सोचेंगे मैं क्यों मिली उस मैडम से आई एम सॉरी बट दिस इज द वे फैक्ट्स ऑफ लाइफ आर तो ये एकदम से ऐसा बदनाम हुआ mm -hmm. लेकिन स्कॉलर्स रखते हैं जो लोग इसकी सच्चाई जानते हैं वो रखते हैं तो युद्ध का बड़ा असर हुआ <laughs> है और हमारा मानसिकता कुछ ऐसी है गुड न्यूज इज नेवर गुड न्यूज बैड न्यूज इज ऑलवेज न्यूज तो ये जो वॉर था ये इतना बैड न्यूज था कि ये लोगों yes. को आ, वही याद वेद वेदव्यास खुद कहते हैं <laughs> कि ये ऐसी घटना हुई <laughs> है कि मुझे लोगों को बताना है <laughs> और इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी <laughs> कि ये आई विटनेस अकाउंट है <laughs> <laughs> वेद व्यास Hmm. Hmm. Yes. Hmm. पूरे ग्रंथ में कहीं भी सब्जेक्टिविटी नहीं है कृष्ण के पास बोध दुर्योधन और अर्जुन जाते हैं दोनों की बातें सुनते हैं कुंती दोनों को आशीर्वाद देती है गांधारी तो यहाँ तक कहती है कुंती से आशीर्वाद लेके आए hmm. तब मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी सो द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दिस नरेशन जिस तरह से इसको बिल्कुल ही निष्पक्ष होके एक त्रासित घटना को उन्होंने डॉक्यूमेंट करके हमें बताया hmm. और उसके साथ साथ जो जोग्राफी जो, जो, जो भूगोलिक दायरा उसका जो मतलब पूरा जो उसका hmm. विस्तार दिखाया है उससे हम बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारे भारतीय सांस्कृतिक विरासत का जो देश है उसका एक सूत्र में बांधने का काम वेद व्यास ने किया जी और आपने अभी द्रौपदी का नाम उल्लेख किया था तो हम जानना चाहेंगे द्रौपदी के बारे में और साथ ही साथ में महिलाओं की स्थिति के बारे में बहुत ही अच्छा प्रश्न है बिकॉज द्रौपदी इनफैक्ट कृष्ण के बाद तो, तो सेंट्रल कैरेक्टर वही है इस पूरे ग्रंथ की और जो से मैंने पहले कहा साक्षात नारायणी थी क्योंकि मैं द्रौपदी के जन्म स्थान से हूँ उसकी कहानी मेरे रग रग में है साक्षात नारायणी थी वो हमारी जो वैदिक प्रथा है उसके हिसाब से महाभारत की जितनी भी महिलाएं थीं सबको ज्ञान दिया गया सबको प्रॉपर शिक्षा दी गई शिक्षा सिर्फ ग्रंथों की ही नहीं दी गई शिक्षा शस्त्र और अस्त्र की भी दी जाती थी और ये सब में इसमें निपुण थी ये द्रौपदी भी उसमें निपुण थी तो द्रौपदी एक इतनी पावरफुल कैरेक्टर थी उसने जो रोल प्ले किया वो था कि पांडव्स को यूनाइट करने का� और उसके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय जो आज हो रहा है जो हमारे वेद व्यास ने नहीं कहा है वो ये है कि ये कहा गया कि द्रौपदी ने क्योंकि अंधे का बेटा अंधा कहा द्रौपदी ने क्योंकि हंसी क्योंकि दुर्योधन गिर गया हमारे सभा पर की ये पूरी कहानी है कि जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आता है कहीं नहीं लिखा है किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि ये हुआ तो ये एक अन्याय द्रौपदी के साथ है पर द्रौपदी की खास बात आप ये देखिए कि जब सभा में उसको बुला के पांडव जब हार जाते हैं कीड़ा में।, में तब उसको बुलाया जाता है तो वो तो आती नहीं है क्योंकि उसकी ऋतु में थी वो लेकिन उसको जब जबरदस्ती लाया जाता है और उसके साथ एक तरह से उस समय की जो मर्यादा थी उसमें नारी के साथ ऊंची आवाज में बात करना भी एक असभ्य बात थी तो वो असभ्यता पहले तो दुर्योधन ने और सबने की उसके बाद नारी को टच करना भी असभ्यता थी बहुत बड़ा मतलब इसको बुरा माना जाता था आप याद रखिए रामायण में भी सीता को छुआ नहीं था रावण ने, ने वो दूर से ही बात करता था बोले तुम्हारी आज्ञा के बिना मैं तुम्हें नहीं छूंगा Hmm. तो ये जो हमारी परंपरा थी उसके हिसाब से ये जो हम दिखाते हैं कि उसका वस्त्र को खींचा गया ये गलत है उसके वस्त्र को हाथ लगाया गया तभी उसने हे कृष्ण जब था। तो obviously जब उसने हे कृष्ण कह दिया तब तो, तो सबको मालूम था कि अगर कृष्ण आ जाएंगे तो त्राही त्राही हो जाएगी hmm. लेकिन द्रौपदी के आपने कैरेक्टर के बारे में कहा दो तीन ऐसे प्रसंग है महाभारत में जिससे hmm. बहुत अच्छे निकल के आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट आता है शी, मतलब पहली महिला जो खड़ी होके भरी सभा में राजा को चैलेंज करती है और कहती है कि ये आपका न्याय है।, hmm. है जो मैं कोई किसी की वस्तु नहीं हूं ये तो दास बन गए इन्होंने अपने आप को हार दिया

उसको टाइम मैनेजमेंट आता है उसको मैन पावर मैनेजमेंट आता है उसको फाइनेंस मैनेजमेंट आता है वो कहती है मुझे एक एक दास का नाम मालूम है मुझे दासी का नाम मालूम है मुझे ये मालूम है कि मेरे पांचों पतियों की क्या चाह है उनको किस चीज़ को कब कि किसको क्या चाहिए मुझे सब चीज मालूम है तो वो सक्षम थी पांच पति को लेने की तो उसकी यू नो पर्सनालिटी एज अ ग्रेट मैनेजमेंट एज एडमिनिस्ट्रेटर हर क्षेत्र में वो विदुषी थी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी द्रौपदी के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि जब युद्ध कीड़ा में वो बैठी रहती है क्योंकि उसको तो देखना है कि मेरे मेरे नारायण वहाँ हैं नारायण भी हैं मेरे पति भी हैं और मुझे तो देखना है कि न्याय कैसे हो रहा है तो उसके पांच उसके बेटों को आपको तो मालूम है कि मार दिया जाता है तब उसको भीम तो है ही बहुत उत्तेजित कि इसको अश्वत्थामा को मृत्युदम दीजिए तो सारे डिसाइड करते हैं कि द्रौपदी डिसाइड करेगी भाई द्रौपदी के पांच पुत्र गए हैं द्रौपदी डिसाइड करेगी तब द्रौपदी के दिमाग में क्या बात चलती है वो कहती है मैं माँ हूं मैं एक दूसरी माँ को नहीं दंड दे सकती लेकिन मैं इसको ऐसा दंड दूंगी कि सदियों सदियों तक ये भुगता रहे और हर एक इंसान को ये मालूम पड़ जाए कि इतना गह, गह, बुरा पाप करना इतना मतलब मतलब बुरा होता है मतलब जीवित रहना ही उसके लिए, उसके श्राप, लिए बन गया। सब श्राप बन गया द्रौपदी के बारे में जानते राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा था इफ आई हैव टू चूज बिटवीन द आइडियल वुमन रेप्रेजेंट इंडिया इट इज द्रौपदी इफ आई हैव टू चूज बिटवीन सीता एंड द्रौपदी ऑल्सो आई विल से इट इज द्रौपदी द्रौपदी वाई बिकॉज द्रौपदी ने जहां झुकना था वहां झुकी और जहाँ लड़ना था वहाँ लड़ी yes. कहाँ झुकी वो जब उसको पांच पति लेने पड़े तब भी एक नो बडी नो उसके ऑलमोस्ट टेन डेज तक वहाँ पे एक मंथन हुआ था कि क्या द्रौपदी पांच पति ले सकती है ये कुंती की स्ट्रैटेजी थी तो द्रौपदी वहाँ झुकी उसने कृष्ण के आगे झुकी कृष्ण ने कहा कि ये तुम्हारे कौन तुम कौन हो याद करो वो गंगा अवतरण की कहानी सुनाती है तो द्रौपदी जहाँ झुकना होता था वहाँ झुकी थी और जहाँ लड़ना होता था वहाँ पर जब विराट नगर में भी वो झुकी नहीं उसके बाद है कुंती कुंती विधवा होते हुए भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि नारी विधवा होती है तो उसको नीचा देखा जाता है हमारे शास्त्र में कहीं नीचा नहीं दिखाया गया नारी को चाहे वो विधवा हो चाहे वो अनमैरिड हो और चाहे वो मैरिड हो सबका सबको सम्मान से देखा गया तो विधवा होते हुए भी उसने पांचों पांडवों को पाया अपना हक के लिए लड़ी अपने बच्चों के हक के लिए लड़ी ठीक है ना और उसने ये स्ट्रैटेजी थी उसकी या कहते हैं भगवान ने उसको वो बुद्धि दी कि इनको सात पांच रखो और उसके मुख से कहलवा दिया गांधारी के बारे में भी मैं बोलना चाहूंगी कि गांधारी दुर्योधन की माँ थी लेकिन वो इतनी निष्पक्ष थी तो वो तो जानती थी वो तो दुर्योधन को खुद बोलती थी और अपने भाई को बोलती थी और अपने पति को वो ज्ञान देती थी जैसे रावण की वाइफ उसको ज्ञान देती थी मंदोदरी। मंदोत्री उसको ज्ञान तो हमारे महिलाओं का इतना मतलब कहते हैं कि एजुकेशन लेवल इतना अच्छा था पुरुष के बराबर था कभी उनको पुरुष ने नीचा नहीं देखा तो मेरे ख्याल से हर एक नारी अब आप देखिए भीम की जो बेटा था का उसकी माँ ने उसको शस्त्र सिखाए जी, जी। आप कोई भी उठा के ले लो वुमेन जो कि महाभारत में दिखाई गई है द क्वींस सब में एक आत्मशक्ति सब में ज्ञान सब में बल सब में एक आ, कहते लोगों को रह, सही राह दिखाने की जो क्षमता वो तक थी जी और निर्णय लेने की भी क्षमता थी। निर्णय लेने की भी क्षमता थी और ये सब चीजें महाभारत हमें क्यों इम्पोर्टेंट है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है पहले तो वो हमें अपने प्राचीन संस्कृति से और कलयुग के बीच का एक जो ग्रंथ है जो हमें लिंक करता है इट्स अ लिंक ग्रंथ प्लस वो दिखाता है कि जब धर्म की हानि होती है धर्म को हम नकार देते हैं तो कितना विध्वंस हो सकता है ना लड़ाई कोई सलूशन है ना डिविजन कोई सलूशन है तो महाभारत को आज के समाज में ये जानना बहुत ज़रूरी है हर लोगों को कि हमें गीता से हमें मैनुअल ऑफ लाइफ मिलता है महाभारत से हमें अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान मिलता है महाभारत का सिग्निफिकेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और हमें इसको एज अ हिस्ट्री और एज अ डॉक्यूमेंट फॉर वेमेन एम्पावरमेंट एज अ डॉक्यूमेंट फॉर स्टिकिंग टू रूल्स ऑफ लॉ फॉलोइंग प्रिंसिपल इन लाइफ ये चीज़ को लेके हमें इसको एक्चुअली uh, सिखाना चाहिए हमारे टेक्स्ट बुक्स में आना चाहिए येस yes, मैम आपने एक नया आयाम दिया आज हमें क्या सीखना चाहिए और क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए yes. वो भी आपने बताया आप अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकाल के यहाँ आ गई और हमारे साथ इतनी लंबी बात करी हम बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं धन्यवाद और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं आज अपनी प्रिय द्रौपदी और अपने प्रिय कृष्ण के बारे में कुछ बोल सकूं बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद महाभारत ग्रंथ भारतीय संस्कृतीचा वारसा या विषयावर महाभारताच्या ज्येष्ठ अभ्यासक नीरा मिश्रा यांची निलिमा पटवर्धन यांनी हिंदीतून घेतलेली मुलाखत आत्ताच आपण ऐकली संस्कृतीच्या पाऊलखुणा हा कार्यक्रम आता इथेच समाप्त होतोय नमस्कार